जेपीआरसी की डिजिटल स्टडी में पुनः एक बार आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत ही मन लगाकर इस विषम परिस्थिति में हमारे साथ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में दो पाठक का अध्ययन पूर्ण रूप से काम में कर चुके हैं। हम लोगों ने जीवन परिचय लिखा, कवियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या पढ़ी। आज के वीडियो में हम काव्य संकलन के तीसरे पाठ जो भक्त प्रस्थान से संबंधित है इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जैसा कि भक्त का नाम ही है रस खान, रस खान किसे कहा जाता है? रसों की खान है जो, अर्थात भगवान कृष्ण। ठीक, इसको ध्यान से समझ लें। रस खान में श्रेष्ठ अलंकार, रस खान में श्रेष्ठ अलंकार है ना। ऐसे एक शब्द के जहां दो अर्थ होते हैं या अनेक अर्थ होते हैं, श्लिष्ट से बना है जिसका अर्थ होता है चिपकना। एक शब्द में जहां कई अर्थ चिपके हों, विद्यमान हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो रसखान भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है और रसखान भगवान के भक्त भी हैं, कवि हैं, जो वास्तविक नाम इनका था सैयद इब्राहिम। तो प्यारे बच्चों, आए आज के वीडियो में खूब मन लगा करके भगवान की भक्ति में जब जाते हैं तो ऐसे ही मन प्रसन्न हो जाता है ना। व्यक्ति अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, मन को हृदय को निर्मल बनाने के लिए मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, दूर दूर तक भटकता है। उसी संतुष्टि रूपी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम अपने पाठ्यक्रम का सहारा लेते हैं। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ेंगे, अंक प्राप्त करेंगे, सफल भी होंगे तथा उस लोक में अर्थात भगवान के लोक में भी सफलता रूपी कदम है। तो आए आज भक्त प्रस्थान के सुंदर सवैये छंद का अध्ययन करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध सवैया पहला है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा इतनी प्रमुखता के साथ। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन, जो बस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेर करो, मिलिकालिंदी कूल कदम्ब के डारन। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भक्त रस खान भगवान से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिस योनि में जिस जन्म में मेरा अर्थात जीव का जन्म हो उसमें मैं आपके ही सानिध्य में रहूं। यदि आप हमें मनुष्य बनाते हैं तो मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के। सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव। यदि आप हमें मनुष्य बनाते हैं तो ब्रज के ग्वालों के रूप में बनाना। और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, इसमें मेरा कोई वश नहीं है कि आप मुझे मनुष्य ही बनाएं। आप पशु बना सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं, पत्थर बना सकते हैं। तो हे प्रभु, यदि आप पशु बनाना तो ब्रज की गायों के बीच में रखना, यदि आप पक्षी बनाना तो यमुना तट के किनारे कदम्ब वृक्षों पर वास करने वाले पक्षियों के रूप में बनाना, और यदि आप पत्थर बनाना तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिससे बचाने के लिए, इंद्र से, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए ब्रजवासियों की आपने रक्षा की थी। इस प्रकार से भक्त रस खान बहुत ही सुंदर सरस भाव से भगवान से निवेदन किए। दूसरे सवैया छंद में ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण की बाल छवि का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आए देखते हैं। आज गई हुति होर हिसों, रसखान रही वह नंद के भावने, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो ने। ब्रज भाषा में लिखा गया है, तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहे बनाई बनाई डिठौने। डिठौने माताएं जो अपने बच्चों को तेल लगाने के बाद नजर से बचने के लिए ऊपर टीका लगाती, उसे डिठौना कहा जाता है। अंतिम पंक्ति में, डार हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों कुछ कारत छौने।
जैसे गाय अपने छोटे से बछड़े को दुलारती है, स्नेह करती है, उसी प्रकार माँ यशोदा बालक कृष्ण का वात्सल्य कर रही है, दुलार रही है। पुनः एक बार भाव रूपी व्याख्या देखें। आज गई हुई भोर हिसों, एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, आज सुबह ही मैं नंद बाबा के भवन में, वहां जाते ही मैंने देखा कि माता यशोदा अपने बालक कृष्ण को दुलार रही है, तेल लगा रही है, नेत्रों में सुंदर काजल लगा रही है और लोगों की नजर से बचने के लिए उनके माथे पर जो टीका लगा है वो तो अद्भुत है। हे सखी, कृष्ण के गले में जो हमेल का मोती का हार धारण किया है उसकी कांति अद्वितीय है। माँ यशोदा बालक कृष्ण को उसी प्रकार दुलार रही हैं जैसे गाय अपने छोटे से बच्चे को अपनी जीवा से चाट चाट कर वात्सल्य देती है। इस प्रकार से इस दूसरे पद में रसखान जी ने वात्सल्य रस का परिपाक किया है। आगे चलते हैं और तीसरे सवय छंद को पढ़ते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कृष्ण की शैशवावस्था का वर्णन किया गया है। कृष्ण शैशवावस्था में हैं, 2 वर्ष के 3 वर्ष के हैं और धूर भरे अति शोभित श्याम जो धूल से भरे हुए हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही धूल से युक्त सुंदर चोटी कृष्ण के सिर पर विद्यमान है। खेलत खात फिरे अनना, पग पै जनी बाजत पीरी कछोटी, ब्रज भाषा है, लाजमुद्रा में पीली नहीं पीरी कछोटी, पीला वस्त्र धारण करके जब कृष्ण नंद बाबा के आंगन में ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो वह शोभा अवर्णनीय हो जाती है। वाच विकों रसपान विलोतत वारत काम कला निज कोटी, करोड़ों काम देव, कोटि का मतलब करोड़ों काम का मतलब काम देव की सौंदर्यता में तुच्छ प्रतीत होती है जब बालक कृष्ण ऐसे चलते हैं। कार्य के भाग बड़े सजनी, हरिहाथ सुलय गयो माखन रोटी, सजनी का मतलब यहाँ सखी से है, सखी वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो भगवान कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन करके खा रहा है। ध्यान दें, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि संत जन घोर साधना तपस्या करते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ कौवा खा रहा है ना, कितना भाग्यशाली। तो उसके भाग की सराहना करने के बाद भक्त रसखान गांव के गोपियों की व्याकुलता का चित्रण किए। क्योंकि गांव की गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके वासुकी वादन को सुनने के लिए आह्लादित रहती हैं, तो उन्हीं के प्रेम का चित्रण करते हुए भक्त रसखान अपने चौथे सवय में लिख रहे हैं कि जा दिनते वह नंद को छोरा या वन धेनु चराई गयो, छोरा का मतलब बालक, जिस दिन से नंद बाबा का पुत्र कृष्ण इस वन में आकर के गायों को चरा कर गया है, मोहनी तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो, बेण का मतलब बांसुरी बजा करके हम लोगों को रिझा कर गया है, वादिनसों कछ कोना सुधे रसखान हिये में समाई गयो, गोपियां कह रही है कि जिस दिन से कृष्ण बांसुरी बजा करके हम लोगों को रिझा कर गए हैं उस दिन से ऐसा लगता है जैसे हम लोगों के ऊपर किसी ने टोना कर दिया है, नजर मार दी है, और उसी दिन से कृष्ण हम लोगों के हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिगाई गए, सिगरो का मतलब संपूर्ण, कान का मतलब परवाह, गोपियां कह रही कोई किसी की परवाह नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे वीर ब्रज कृष्ण के प्रेम में बिक गया है, इस प्रकार भगवान कृष्ण का प्रेम था। अब खींच गई अगले पद में गोपियां खींच गई हैं, उनकी खींचता का चित्रण रसखान जी करते हुए लिखते हैं कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, गोपियां चाहती हैं, उनकी इच्छा है कि कृष्ण हमसे प्रेम करें, हमारे सानिध्य में रहें, लेकिन कृष्ण बांसुरी वादन में तन्मय है, एकदम मगन है, तो गोपियां दुखी मन से कह रही हैं कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए, अब हमें कौन चाहेगा, निस्देव रहे संग साथ लही यह सौतन तापन क्यों सही है,
यह रानी के सौत की तरह कृष्ण के साथ दिन रात लगी रहती है। जिन मोह लियो मन मोहन को रस खान सदा हम कौ दही। भगवान कृष्ण का नाम है मनमोहन, क्योंकि वो मन को मोहते हैं। तो गोपियां कह रही हैं, जो सबके मन को मोहने वाले हैं, ऐसे मनमोहन को जिसने मोह लिया है उसी के वश में कृष्ण दिन रात लगे रहते हैं और उसी का मोह हमें दाह का मतलब ईर्ष्या रूपी अग्नि में जला रहा है। मिलियाओ सब सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। गोपियां कह रही है अब हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्रेम देने वाला नहीं, क्योंकि कृष्ण तो बांसुरी वादन में मस्त रहते हैं और कृष्ण के प्रेम देने के बाद ही हम लोगों का सम्मान है। उनका प्रेम ना पाने से हम लोग उपेक्षित हैं, इसलिए अब यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है, यहाँ से चलते हैं। आगे गोपियां कृष्ण की तरह आपस में नटवर वेश धारण कर क्रीड़ा करने का एक षड्यंत्र बनाती, एक प्लान बनाती। और अस्खान जी इस प्लान का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मोर अखासिर ऊपर राखी है गुंज की माल गरे पहलों। आपस में गोपियां कह रही हैं जैसे कृष्ण मयूर का पंख धारण करते हैं, गले में मोती का माला पहनते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी अपना स्वरूप बनाएंगे। ओढ़ पीतंबर लय लुटी पीतांबर धारण करेंगे, वन गोधन ग्वारों संग फिरोंगे। और कृष्ण जैसे वन वन ग्वालों के साथ घूमते फिरते हैं उसी प्रकार घूमेंगे। भाव तो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगे। जो जो स्वांग का मतलब होता है दिखावा कर ना नाट्य, जो जो कृष्ण को भाता है वो सारे नृत्य करेंगे, सारे कृत्य करेंगे। परंतु या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरी। परंतु हमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या इस मुरली से, और या मुरली अधरा अधर का मतलब गोष्ठ, जो मुरलीधर जिस मुरली को कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं इस मुरली को हम अपने होठ से नहीं लगाएंगे। तो सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ी ईर्ष्या किससे है, इस मुरली से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार रसखान जी भगवान की भक्ति में डूब करके इन सवय छंदों का वर्णन किया, हम लोगों ने पढ़ा। अब वीडियो के सहारे आप घर पर पाठ पुस्तक का सहारा लेकर के पुनः एक बार व्याख्या पढ़ करके लिख लेंगे, पूर्णतः आप इस पर सिद्धस्त हो जाएंगे। कल के वीडियो में हम नए प्रकरण के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।